Hi, I am Pragati Sahu. Hey guys, welcome back to another video. So in this video, we are going to start loops. So there are two types of loops in Python. First is for loop and second is while loop. And we are going to cover both type of loops in this video. So first is for loop. सबसे पहले लूप क्या होता है? सो लूप हमारा होता है दैट इज आइटरेटिव स्टेटमेंट, दैट इज स्टेटमेंट दैट इज रिपीटेड इट कंटिन्यूसली. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट आई विल टेक अ मिनट टू एक्सप्लेन द लूप्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू प्रिंट योर नेम मल्टीपल टाइम्स, ओके, या इफ यू वॉन्ट टू प्रिंट योर द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 और 1 to 100, देन वॉट वी विल डू, वी विल अकॉर्डिंग टू आर concept in Python, we can simply print numbers like this, at print 1 or print 2, and like this we can go up to print 10. Okay, लेकिन ऐसे हम कितनी लाइंस लिखेंगे? अगर मुझे को 1000 तक जाना है, मेरे को 10,000 तक जाना है, तो हम कितनी लाइंस लिखेंगे ऐसे? हम तो पागल हो जाएंगे ऐसे लिखते लिखते, अब तो कि हम प्रिंट लिख रहे हैं, प्रिंट 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 प्रिंट. तो इसी चीज के लिए, अवॉइड करने के लिए कि हमको एक स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स नहीं लिखना पड़े, वी यूज लूप्स टू मेक आर स्टेटमेंट्स रिपीटेड. ठीक है, हम एज अ प्रोग्रामर हमको बहुत एफिशिएंटली सोचना है दैट हाउ वी कैन यूज लूप्स इफेक्टिवली. तो इन दिस वीडियो आई विल शो यू सम एग्जांपल्स आल्सो कि हम लूप्स को कैसे यूज कर सकते हैं, है ना. सबसे पहले आता है फॉर लूप. फॉर लूप का क्या मतलब होता है? फॉर लूप हो चाहे वाइल लूप हो, कोई भी लूप हो, दैट आर ओनली यूज टू मेक योर स्टेटमेंट्स रिपीटेटिव. ठीक है, अब इसमें आप कंडीशन लगा सकते हो, जैसे इफ एल्स में हम लगाते थे, या फिर आप कोई भी लिस्ट को यूज कर सकते हो, स्ट्रिंग को यूज कर सकते हो टू एक्सेस इट एलिमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक स्ट्रिंग है, लेट सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है प्रगति, एंड आई वॉन्ट कि मेरे जितने भी स्ट्रिंग में लेटर्स हैं वो 1 by 1 प्रिंट हों. जैसे P प्रिंट हो, देन R प्रिंट हो, देन A प्रिंट हो, देन G प्रिंट हो, ऐसे करके मेरे लेटर्स प्रिंट हो. सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज लूप्स कि भाई हमने इस पूरे स्ट्रिंग पे लूप लगा दिया कि भाई आप एक एक स्ट्रिंग, एक एक एलिमेंट को उठाओ और उसको प्रिंट करो. ठीक है, मैंने बोला फॉर लूप लगाया, फॉर से बोला कि भाई एस में हर एलिमेंट को आप मानो एक्स, आप हर एलिमेंट को मानो एस, एंड आप लिखो लाइक दिस कि भाई एस में जो भी एलिमेंट है उसको मैंने एक्स बोला, और एट दैट पर्टिकुलर टाइम यू फिर कैन प्रिंट प्रिंट एक्स. सिंपल. तो पाइथन में लूप बहुत इजी होते हैं. अगर आपने बाकी प्रोग्रामिंग में लूप्स पढ़े हैं तो आपको, आपने समथिंग लाइक दिस देखा होगा कि भाई फॉर, देन आप इनिशियलाइज करते हो इंट आई इज इक्वल टू 0, देन एक कंडीशन लगाते हो, देन प्लस प्लस करते हो, एंड देन यू कैन राइट द स्टेटमेंट्स, है ना. तो ये आपने बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखा होगा, लेकिन पाइथन में थोड़ा सा डिफरेंट है. पाइथन में आप बहुत एफिशिएंटली, बहुत इजीली लूप्स को यूज कर सकते हो. हाँ, बाकी प्रोग्रामिंग की तरह भी यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस एंड रिक्वायरमेंट, बट पाइथन में आप कोई भी आइटरेटिव स्टेटमेंट को, आइटरेटिव एलिमेंट को आइटरेट कर सकते हो, एंड उसके पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो. जैसे कि यहाँ पर आप देखो, उसकी डेफिनेशन यही है कि फॉर लूप को सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं टू आइटरेट ओवर अ सीक्वेंस दैट इज आइदर अ लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और सेट और स्ट्रिंग. हम सब पढ़ चुके हैं कि लिस्ट क्या होता है, टपल क्या होता है, सेट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है, स्ट्रिंग सेट ऑफ कैरेक्टर्स होता है, सेट भी सेट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है, तो इसी में हम आइटरेट करने के लिए सबसे ज्यादा फॉर लूप को यूज करते हैं इन पाइथन. पाइथन इज बिट डिफरेंट. दिस इज लेस लाइक द फॉर कीवर्ड इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड वर्क्स मोर लाइक अ आइटरेटर मेथड. दैट इज क्लियर आई थिंक. With a for loop, you would execute set of statements once for each item in a list, tuple, set, etc. तो list में हम कैसे use करेंगे? मैंने यहाँ list बनाई है, apple, banana, cherry, like this. Okay. तो आप यहाँ पर एक list देख सकते हो, और मैं इसमें इस list के elements को print करना चाहती हूँ. तो मैंने directly लिखा for x in fruits. तो मैंने हर element को x माना. आप i मान सकते हो, आप element मान सकते हो, आप कोई भी इस variable का नाम दे सकते हो. और आपने बोले भाई x हर एलिमेंट को डिनोट कर रहा है किसमें? मेरी लिस्ट में, जिसका नाम है फ्रूट्स. और मैं चाहती हूँ कि मेरे जो एक्स है वो प्रिंट हो कंटिन्यूअसली. ओके, सो फॉर दैट आई हैव गिवन दिस कमांड. दैट इज क्लियर आई थिंक. फॉर लूप का अगर आपको फ्लो चार्ट देखना है कि हाउ इट वर्क्स जनरली, सो यू कैन सी दिस कि भाई एक सिक्वेंस है,
टेक्स्ट लिस्ट है, या टपल है, या हमारा डिक्शनरी है, या सेट है, कोई भी है, स्ट्रिंग है, तो आप उसके ईच आइटम को, हर एक आइटम को एक्सेस कर रहे हो और आप चेक कर रहे हो कि क्या मेरा एलिमेंट जो है वो लास्ट एलिमेंट है मेरे सीक्वेंस का। अगर लास्ट एलिमेंट है तो आप लूप को एग्जिट कर दो, और अगर नहीं है तो आप जो भी फॉर लूप के बॉडी में लिखा है, प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है, एग्जीक्यूशन लिखा हुआ है, वो एग्जीक्यूट करके देन अगेन लूप को एग्जीक्यूट कर दो। ओके, अगेन एंड अगेन, ठीक है, जब तक हम लास्ट में नहीं पहुंच जाते सीक्वेंस के। तो दिस इज द यूज वी कैन डू विथ फॉर लूप इन पाइथन। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल आई हैव फॉर यू इज लूपिंग थ्रू दी स्ट्रिंग्स। दैट इफ आई हैव अ स्ट्रिंग कॉल्ड बनाना, यू कैन यूज योर नेम ऑल्सो, एंड आई वॉन्ट टू प्रिंट द कैरेक्टर्स इन इट, आई कैन प्रिंट इजिली यूजिंग फॉर लूप। एंड द सिंटेक्स इज कि आपने एक एलिमेंट लिया, आइटरेटर लिया, दैट इज एक्स हेयर, इसको हम आइटरेटर बोलते हैं। ओके, एंड इन इन ऑपरेटर हमने यूज किया टू टू एक्सेस एनी पर्टिकुलर सीक्वेंस, एक्सेस एनी पर्टिकुलर सीक्वेंस। ओके, एंड आई हैव टेकन अ स्ट्रिंग हियर, यू कैन ऑल्सो प्री इनिशियलाइज अ स्ट्रिंग एंड देन यूज इट, आई हैव यूज डायरेक्टली, एंड देन यू कैन प्रिंट द कैरेक्टर्स ऑफ इट। लेट्स सी एन एग्जाम्पल इन विजुअल स्टूडियो कोड। So here I have taken a list and I want to print the elements present in string. This here you can see the code and output also. So oh, here it says fruits are not defined. I have used colors. I have taken the colors for example for your understanding. Let's run it again. And here you can see each element is printing in a separate line, because we know that print by default provides a separator, that is backslash n, a new line. So you have red, black, and yellow. You can add as many characters in your list. Now moving on to next example. Moving on to next example, I can comment down this particular part and use this part. Here I am using a string, a banana. I am taking my name also. आई कैन टेक लाइक दिस। स्ट्रिंग को हम हमेशा इंक्लोज करते हैं डबल कोट्स में। आई एम यूजिंग कोलन हियर एंड देन आई एम प्रिंटिंग द पर्टिकुलर कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन स्ट्रिंग। लेट्स रन दिस कोड एंड इट्स रनिंग। ओके, सो ईच कैरेक्टर हैज बीन प्रिंटेड इन अ सेपरेट लाइन लाइक दिस। सो आप एक्सेस कर सकते हो एक एक एलिमेंट को। मैं ऐसे भी ये दिखा रही हूँ कि हाउ कैन यू एक्सेस ईच एलिमेंट। हियर आई एम प्रिंटिंग, बट इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द फॉलोइंग वीडियोस, वी विल यूज द एप्लीकेशन ऑफ फॉर लूप। Okay, now moving on to next. Next is the range function. For example, if I want to print my natural numbers from 1 to n, as I have given you an example, कि मुझे 1 से लेके n तक जाना है और मुझे प्रिंट करना है, तो मैं कैसे करूंगी भाई? आइटरेटर का यूज हम कहाँ तक करेंगे? हम अपने सीक्वेंस का यूज कहाँ तक करेंगे? सीक्वेंस तो समझ आ गया, बट आई वॉन्ट टू गिव द रेंज। आई वॉन्ट टू गो फ्रॉम 1 टू n, आई वॉन्ट टू गो फ्रॉम 1 to 100, आई वॉन्ट टू गो टू 1 from 1000। तो हाउ कैन आई यूज द रेंज फंक्शन? ठीक है, बाकी के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम यूज करते हैं आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन 100, आई प्लस प्लस, लाइक दिस। लेकिन पाइथन में हम यूज करते हैं रेंज फंक्शन फॉर दिस। वी प्रोवाइड रेंज यूजिंग रेंज फंक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास तीन पैरामीटर्स होते हैं रेंज फंक्शन के। तो रेंज फंक्शन सबसे पहले क्या करता है, इफ यू वॉन्ट टू डिफाइन इन द टर्म्स ऑफ सेंटेंसेस, दैट रेंज फंक्शन इज यूज टू जनरेट सिक्वेंस ऑफ नंबर्स, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। सो डिपेंडिंग हाउ मेनी आर्ग्यूमेंट्स द यूजर इज पासिंग द फंक्शन, द यूजर कैन डिसाइड व्हाट वेयर दैट सीरीज ऑफ नंबर विल बिगिन एंड एंड। हम एंडिंग नंबर दे सकते हैं, हम बिगिनिंग नंबर दे सकते हैं, और हम दे सकते हैं कितने इंक्रीमेंट से, बाय हाउ मेनी स्टेप्स दैट रेंज विल एंड। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई हैव गिवन अ रेंज फ्रॉम 1 to 10, एंड आई वॉन्ट कि मेरा जो लूप है वो हर अल्टरनेट नंबर को पास करे। मतलब कि अगर पहले वो 1 पर है, आई अगर 1 पर है तो नेक्स्ट आइटरेशन में आई 3 पर हो जाए, दैट मीन्स +2 पर हो जाए, देन आई इज इक्वल टू 5, देन आई इज इक्वल टू 7, आई इज इक्वल टू 9, एंड अप टू 10 इट विल ओनली गो। तो हम अपना नंबर ऑफ स्टेप्स भी दे सकते हैं, दैट इज द आइटरेशन इंक्रीमेंट बिटवीन ईच इंटीजर इन द सिक्वेंस। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ऑल दीज थ्री। इफ यू वॉन्ट कि
कि आपके पास सिर्फ बिगनिंग है, तो आप बिगनिंग भी दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर दी है फॉर एक्स इन रेंज ऑफ सिक्स, तो यहाँ पर मैंने सिक्स दिया, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या लेगा, वो आपका ये सिक्स को क्या मानेगा, एंड मानेगा, और स्टार्ट करेगा वन से, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो बाय डिफॉल्ट एंड इंक्रीमेंट्स बाय वन, ओके, जीरो से स्टार्ट करेगा, नॉट बाय वन, सॉरी, ओके, जीरो से स्टार्ट करेगा गिनती को, और कहाँ तक जाएगा, जो भी आपने रेंज दी है अप टू सिक्स, बिकॉज अगर सिक्स से स्टार्ट करेगा तो इन्फिनिटी तक नंबर्स है, तो अगर आप सिर्फ सिंगल पैरामीटर पास करते हो देन इट विल टेक दैट पैरामीटर एज द एंडिंग नंबर एंड इट विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो. लेट्स ट्राई, दिस इज वेरी गुड एग्जाम्पल, लेट्स ट्राई दिस, कमेंटिंग डाउन दिस एंड यूजिंग द रेंज फंक्शन. सबसे पहले हम अपना एक ही पैरामीटर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक ही पैरामीटर पास किया है अपने रेंज फंक्शन में, तो क्या करता है, जीरो से लेके जाएगा अप टू फाइव. फाइव क्यों गया, क्योंकि सिक्स के लेस देन जाएगा, नॉट इक्वल टू सिक्स, आपको जहां तक भी जाना है आपको उसका प्लस वन देना पड़ेगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू काउंट माई नंबर फ्रॉम जीरो, फ्रॉम टेन टू टेन, तो मुझे इलेवन देना पड़ेगा, नॉट टेन, तभी वो टेन तक जाएगा, वरना वो सिर्फ नाइन तक जाएगा, लेस देन दैट. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जो आप लास्ट रेंज दे रहे हो दैट इज नॉट इंक्लूसिव, इट इज एक्सक्लूसिव. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इफ आई पास टू पैरामीटर्स टू दिस, तो यहाँ पर सिंपल सी चीज है कि एक पैरामीटर को स्टार्टिंग लेगा और दूसरे को एंडिंग लेगा, तो टू से हमारी गिनती स्टार्ट होगी, लेकिन अप टू सिक्स जाएगी या अप टू फाइव जाएगी, लेस देन सिक्स जाएगी या इक्वल टू सिक्स जाएगी, लेट्स चेक. तो यहाँ पर वो लेस देन सिक्स गई, तो आपको ये ध्यान रखना है हमेशा कि रेंज फंक्शन है, देन द लास्ट द स्टॉप पैरामीटर इज नॉट इंक्लूसिव, लास्ट नंबर जो भी आप दे रहे हो एंडिंग नंबर दैट इज नॉट इंक्लूसिव, दैट इज एक्सक्लूसिव. यहाँ टू से स्टार्ट हुआ, फर्स्ट नंबर तो इंक्लूसिव था लेकिन लास्ट नंबर इज नॉट इंक्लूसिव, सो इफ यू वॉन्ट टू गो टिल सिक्स देन यू हैव टू गिव सेवन, देन इट विल ओनली गो टिल सिक्स, इट विल काउंट सिक्स ऑल्सो. नाउ आई होप इट इज क्लियर, इसको बड़ा कर देते थोड़ा सा, इससे आप लोगों को क्लियर हो जाए कि आउटपुट क्या आया, टू थ्री फोर फाइव सिक्स, एंड पहले आया था टू थ्री फोर फाइव. नेक्स्ट इज अगर मैं तीनों पैरामीटर देती हूँ, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, मुझे पता है बहुत से लोग सोच समझ गए होंगे क्या होने वाला है. नाउ स्टार्टिंग एलिमेंट इज टू, ठीक है, यहाँ पे देखो आगे क्या, विजुअल स्टूडियो कोड की यही बात अच्छी है, अगर मैंने यहाँ पर होवर किया प्रॉपर आगे लिखकर कि रेंज में क्या है, स्टॉप है, इंट दिया है, अगर आप सिंगल वेरिएबल पास करते हो तो वो सिर्फ स्टॉप लेगा, अगर आप तीनों वेरिएबल पास कर रहे हो तो स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप, स्टेप इज फॉर इंक्रीमेंट, कितने से इंक्रीमेंट होगा, तो मैंने यहाँ पे दिया है टू से स्टार्ट करो, 30 पे खत्म करो एंड थ्री से इंक्रीमेंट करो, है ना, टू से स्टार्ट करो, 30 पे प्लस, 30 पे स्टॉप करो एंड थ्री से इंक्रीमेंट करो. फॉर एग्जाम्पल इन दिस व्हाट विल द आउटपुट, टू देन प्लस थ्री इज इक्वल टू फाइव, देन प्लस थ्री इज इक्वल टू एट, प्लस थ्री इलेवन, प्लस थ्री 14, then it will go on 17 and it will go up to 30, less than 30, not equal to 30. इसका आउटपुट देखते हैं. Yes, we have got multiple numbers from 2 to less than 30 with the increment of 3. So 2, 5, 8, 11, 14, 17 and it go on till then. नाउ मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इन फॉर लूप, एंड आई होप अभी तक आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा हो फॉर लूप, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग इन पाइथन ओनली, बिकॉज मैंने भी जब पहले पढ़ा तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, थोड़ा डिफरेंट लगा बाकी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से, वरना मुझे तो ये लगता था कि पाइथन में भी फॉर लूप वैसे ही होगा, इसमें क्या सीखना है इसमें, लेकिन बहुत कुछ नया सीखने के लिए. तो एल्स इन फॉर लूप, तो अब एल्स कहाँ से आ गए, तो हमने इफ में पढ़ा था, ये एल्स फॉर लूप में क्या कर रहा है, यस, तो आप यहाँ पर एल्स भी लगा सकते हो इफ यू वॉन्ट, कि आपको एक एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड करनी है, कि अगर आपको नंबर है आपको चेक करना है, या मैंने आपको प्रोग्राम दिया है कि अगर एक्स जो है वन से सिक्स के बीच में है, चलो रियल लाइफ ले लेते हैं, ठीक है, कि अगर आपके मार्क्स जो हैं वो 60 से लेके 80 के बीच में हैं, तो आप ग्रेड को कर दो फर्स्ट डिवीजन या सेकेंड डिवीजन, जो भी आप लेना चाहो, मैंने फर्स्ट डिवीजन ले लिया, ठीक है, मुझे पता है 80 से ऊपर नंबर आते हैं लेकिन मैं एवरेज जनता की बात कर रही हूँ, ठीक है, एल्स अगर इससे नीचे आते हैं तो आपका ग्रेड जो है वो आता है सेकेंड डिवीजन, सेकेंड डिवीजन,
आप ए बी सी भी ले सकते हो, मैंने नॉर्मल ले लिया, तो ऐसा कंडीशन आएगा तो आप क्या करोगे, आप फॉर लूप का इस्तेमाल कर सकते हो कि भाई अगर आपका जो एक्स है वो रेंज में है 60 से 80 के बीच में, तो ग्रेड को ये कर दो, एल्स। अब यहाँ पर आप इफ की तरह यहाँ पर भी एल्स लगा सकते हो लाइक दिस, कि अगर एक्स मेरा रेंज में है 6 के, मतलब 6 से छोटा है, तो आप प्रिंट कर दो एक्स को, अदरवाइज आप प्रिंट कर दो फाइनली फिनिश्ड। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन यूज एल्स पार्ट इन फॉर लूप। नेक्स्ट इज आर लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स, आपने इनका नाम सुना ही होगा, और नहीं सुना हो तो कोई बात नहीं, हम यहाँ कवर कर लेते हैं। ब्रेक एंड कंटिन्यू, ये बहुत यूज होते हैं, लेकिन आपको अभी यूज समझ नहीं आएगा अगर आपने प्रोग्रामिंग कभी नहीं करी है। ब्रेक यूज होता है टू ब्रेक दैट पर्टिकुलर ब्लॉक। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक कंडीशन है, मैंने एक फॉर एग्जाम्पल लिस्ट ली हुई है लाइक दिस, 2, 3, 4, 5, 6, एंड आई वॉन्ट यू टू सर्च एन एलिमेंट। मैंने आपको एलिमेंट दिया हुआ इनपुट, अब वो इनपुट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इनपुट आपको नहीं पता। अब आपको सर्च करना है कि जो मैंने इनपुट दिया है वो आपकी लिस्ट में अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। तो कब कैसे करोगे, आप इस लिस्ट को ट्रैवर्स करोगे लाइक दिस, फॉर एक्स इन लिस्ट लाइक दिस, और आप कहोगे इसके अंदर इफ, अब दोनों एक्स एक्स हो गए, तो इसको एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं ए। इफ एक्स इज डबल इक्वल टू ए, इफ एक्स इज डबल इक्वल टू ए, देन प्रिंट फाउंड, ठीक है। लेकिन अगर मैंने ए की वैल्यू दी है 2, ए की वैल्यू दी है 2, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि मैं यहाँ समझा रही हूँ कि ब्रेक की जरूरत कहाँ पड़ती है, ये कोई नहीं बताएगा आपको पहली बार में, लेकिन आप बहुत इजीली समझ जाओगे। On this, I think I got the space here. Okay, तो मैंने यहाँ लिखा print form. For example, मैंने a की value दी 2, तो उसने, और फिर मैं यहाँ पर एक और चीज लिखूंगी, else भी लिखूंगी ना, अगर नहीं मिला तो, है ना, अगर नहीं मिला तो, नीचे क्यों नहीं हो रहा है, कोई नहीं, ठीक है, else के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगी print not found. आओ नाउ इन दिस केस, अगर 2 मेरी वैल्यू है ए की, और अगर पहली बार में उसको एक्स बराबर ए मिल गया, तो वो क्या प्रिंट करेगा, फाउंड। लेकिन ये हमने लूप चलाया हुआ है पूरी लिस्ट, फिर वो 3 पे भी जाएगा और 3 को भी कंपेयर करेगा, लेकिन 3 ए के बराबर नहीं होगा, देन इट विल, व्हाट व्हाट इट विल प्रिंट, नॉट फाउंड। अगेन इट विल गो टू 4, इट विल अगेन कंपेयर, एंड इट विल प्रिंट नॉट फाइंड, बिकॉज इट विल गो इन द एल्स पार्ट, अगेन इट विल प्रिंट नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, एंड 1, 2, 3 होगा, 4 होगा ना, हाँ, नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, नॉट फाउंड। लेकिन क्या हमको ये आउटपुट चाहिए था, नहीं, हमको तो ये चाहिए था कि आपके लिस्ट में वो प्रेजेंट है या नहीं, हमें बताओ, हमें इतना बड़ा नहीं चाहिए। इसके लिए हम यूज करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट, इसके लिए हम यूज करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे भाई एक्स इन लिस्ट इफ एक्स इज डबल इक्वल टू ए, अगर मिल जाता है तो आप ब्रेक कर दो वहीं के वहीं, जैसे ही आपको मिला आपने ब्रेक कर दिया, ब्रेक से क्या होगा, ये फॉर लूप खत्म। और कहाँ मिला इसकी पोजीशन भी हम नोट कर सकते हैं, है ना, ब्रेक कर दो, और अगर बाहर आके हम चेक कर सकते हैं, या हम एक इंडिकेटर लगा सकते हैं एफ इज इक्वल टू 1, और बाहर आके हम फॉर लूप के बाहर आके चेक कर सकते हैं कि अगर एफ मेरा 1 हुआ, मतलब हम ब्रेक लेकर बाहर आए हैं तभी एफ 1 हुआ है, अगर एफ 1 है तो प्रिंट कर दो फाउंड, ठीक है। और यहाँ हम कंडीशन लगा सकते हैं इसके बाहर, यहाँ पर एल्स लगा सकते हैं कि भाई अगर ब्रेक नहीं हुआ है, अगर आपको नहीं मिला है, तो आप प्रिंट कर दो नॉट फाउंड, सिंपल। तो यहां हम करते हैं ब्रेक का यूज टू ब्रेक आर पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। यहाँ हमने फॉर के बाहर छलांग लगानी है, यहां पर भी इसने क्या किया, फॉर के बाहर छलांग लगाई है, यहां इसने लिस्ट ली, सिंपल, इसने चेक किया, प्रिंट किया एक, और इसने यहाँ पर भी कंपेयर किया, मैंने भी नोटिस किया, मैंने यहाँ पर भी कंपेयर किया है कि अगर एक्स मेरा बनाना के बराबर है देन ब्रेक कर दो, अगर बनाना अवेलेबल है तो आप ब्रेक कर दो, अदरवाइज नॉट। तो यहाँ आपको मैंने एक लाइव एग्जाम्पल दे दिया, यहाँ आपको मैंने आपको एक कोड में एग्जाम्पल दे दिया प्रॉपर। तो दिस इज द यूज ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट, जिससे कि हम अपने लूप के बाहर आते हैं, कंट्रोल को शिफ्ट करते हैं बाहर, जैसे ही ब्रेक होगा आप लूप के बाहर आ जाओगे। कंटिन्यू से क्या होता है, कंटिन्यू उल्टा करता है, अगर आपने कंटिन्यू स्टेटमेंट लगाया हुआ है कहीं पर भी, तो वो क्या करेगा, वो नेक्स्ट
आइट्रेशन पे चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास फ्रूट्स की हमारे पास लिस्ट है, अगर मैंने बोला, इसने बोला बनाना, एक्स इज इक्वल टू बनाना, तो कंटिन्यू, तो जब वो बनाना पे आएगा और उसने कंटिन्यू देखा तो इसको प्रिंट पे नहीं जाएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे नहीं जाएगा, वो क्या करेगा फिर से फॉर लूप पे जाएगा एंड फिर से फॉर लूप को स्टार्ट कर देगा, मतलब नेक्स्ट आइटरेशन। इट मींस इसका आउटपुट क्या आएगा, पहले तो एप्पल आएगा है ना, फ्रूट्स में गया उसने देखा एक्स इज इक्वल टू बनाना नहीं है, तो प्रिंट पे गया, प्रिंट उसने कर दिया डायरेक्ट। फिर क्या किया उसने, फिर वो बनाना पे आया, क्योंकि हमारी लिस्ट में सेकेंड पे क्या है, बनाना, बनाना कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू हुई, कंटिन्यू हुआ, तो बनाना उसने प्रिंट का स्किप कर दिया, प्रिंट स्टेटमेंट तो वो नहीं आया नेक्स्ट लाइन पे, उसने फिर से लूप को चलाया एंड नाउ आर लूप एक्स की वैल्यू हो गई चेरी, चेरी पे आया, कंडीशन नॉट ट्रू एंड इट विल प्रिंट चेरी। सो दिस इज द यूज ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट एंड ब्रेक स्टेटमेंट, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज व्हाइल लूप, दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ लूप्स। इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम होता है, ठीक है, इसमें आपको सिर्फ कंडीशन लेनी पड़े, जब भी आप व्हाइल लूप लिखते हो, व्हाइल लिखते हो तो आपको यहाँ पर एक कंडीशन लेनी पड़ेगी लाइक दिस, जैसे कि मैं यहाँ पर प्रिंट कर रही हूँ, अगर कंडीशन ट्रू है तो हमेशा ये स्टेटमेंट चलते रहेंगे, व्हाइल विद विद द व्हाइल लूप वी कैन एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। फॉर लूप में क्या होता है, हम एक सेट ऑफ सिक्वेंस पे फॉर लूप लगाते हैं और व्हाइल लूप में हम कंडीशन लगाते हैं, जस्ट लाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नोट, रिमेंबर टू इंक्रीमेंट आई और एल्स द फॉर लूप विल कंटिन्यू फॉर एवर। अगर आप आई को इंक्रीमेंट नहीं करोगे, फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल मैंने आई को 1 लिया और मैंने बोला आई अगर 6 से छोटा है तो आप प्रिंट कर दो आई को, और मैंने फिर आई प्लस प्लस किया, लेकिन अगर मैं इसको नहीं लगाऊं तो आई की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, फिर से वो लूप चलाएगा, आई की वैल्यू 1 है, फिर प्रिंट कर देगा, फिर आई की वैल्यू 1 है, तो कंडीशन तो हमेशा ट्रू है। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो आपके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, और जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक ये चलता रहेगा। इफ में क्या होता है, एक बार कंडीशन चलती है, इसमें आप मल्टीपल टाइम्स अपनी कंडीशन को रन कर सकते हो इन व्हाइल लूप। नेस्टेड लूप, इट मीन्स लूप के अंदर लूप, यहाँ पर मैंने दो लूप रखे हैं, मैंने यहाँ पे दो लिस्ट रखी है, ठीक है, एक हमारा आउटर लूप है जो एक्स है और एक हमारा इनर लूप है जो कि वाई है। एक्स लूप जो है वो मेरी फर्स्ट लिस्ट पे चल रहा है एंड वाई वाला लूप, इनर लूप मेरा सेकेंड लिस्ट पे चल रहा है, जैसे एप्पल बनाना चेरी, ओके, एंड मैं दोनों की वैल्यूज को प्रिंट करती हूँ। इसको हम रन करते हैं कोड में, क्योंकि बाकी इतने इजी थे। ओके इसको रन करके देखते हैं नेस्टेड लूप को। मैंने दो एरेज ली हैं, दो एरेज में मैंने प्रिंट कराना है वैल्यूज को, देखते हैं क्या आउटपुट आता है, फिर इसको समझते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा सा आउटपुट आया, अगर आप देखो यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज प्रिंट हुई, पहले रेड के साथ बनाना प्रिंट हुआ, देन रेड के साथ चेरी प्रिंट हुआ, देन बिग के साथ एप्पल प्रिंट हुआ, बिग बनाना बिग चेरी, टेस्टी एप्पल, टेस्टी बनाना टेस्टी चेरी, है ना, ये हमारा आउटपुट आया। अब इसका मतलब क्या, वो कैसे हुआ, इसको बस थोड़ा सा विस्तार समझते हैं। सबसे पहले एक्स की वैल्यू थी रेड, जब एक्स की वैल्यू रेड थी तो वो उसने वाई के अंदर गया, वाई की वैल्यू हमारा फ्रूट्स पे, तो वाई की वैल्यू थी एप्पल, तो उसने प्रिंट कर दिया एक्स कॉमा वाई दैट इज रेड एप्पल। नेक्स्ट वाई की वैल्यू, अभी वाई हम अंदर है, हम एक्स पे नहीं है, हमारा वाई चल रहा है, क्या फिर क्योंकि वाई हमारा अंदर है तो ये फिर से वाई पे आएगा, पहले वाई की वैल्यू ही बनाना, जब तक वाई खत्म नहीं होगा तब तक हम बाहर नहीं जाएंगे, हमें पता है फॉर लूप की वर्किंग, जब तक ये फ्रूट खत्म नहीं होगा तब तक चलता रहेगा, तो रेड हमारा एक्स की वैल्यू रेड है तो रेड बनाना, देन अगेन फिर से हमारा फ्रूट चला तो हमारा चेरी, तो हमारा वाई हो गया चेरी, देन रेड चेरी, ठीक है, फिर एक्स की वैल्यू, अभी हमारा वाई खत्म हो गया तो वाई खत्म, फिर से वो कहाँ गया अपना ऊपर के कंट्रोल, फिर उसने देखा फॉर लूप है, एक्स का फॉर लूप चल रहा है, एक्स अभी खत्म नहीं हुआ, एक्स अब आया बिग पे, तो बिग फिर से वाई का लूप स्टार्टिंग से चलेगा, एप्पल बनाना चेरी, तो बिग एप्पल बिग बनाना एंड बिग चेरी प्रिंट हो जाएगा, देन वाई फिर से खत्म हो गया, फिर से वो ऊपर जाएगा लेकिन अभी एक्स खत्म नहीं हुआ है, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी टेस्टी, देन फिर से वाई एप्पल बनाना एंड देन चेरी, तो टेस्टी एप्पल टेस्टी बनाना एंड टेस्टी चेरी, लाइक दिस वी विल गेट द आउटपुट।
दिस इज द नेस्टेड लूप्स, नेस्टेड फॉर लूप ना, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, इसको हम अपनी प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे सारे कॉन्सेप्ट्स को, जिससे कि और क्लियर हो पाए. सो इन दिस वीडियो आई एम डन, सो विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टेक केयर.